नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं इस वक्त की खास खबर का। पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई आदमपुर विधानसभा में बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने 67,376 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भव्य बिश्नोई को विधायक निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आदमपुर में कमर खिलाकर भव्य जीत प्रदान करने के लिए क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में हमारी संख्या 41 हुई, कांग्रेस की एक संख्या कम हुई। आदमपुर की जनता ने भाजपा की विकासात्मक विचारधारा पर मुहर लगाई है। आपको बता दें कि पिछले 8 साल में राज्य में 3 बार उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने 2 बार जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी ने अब की बार बहुचर्चित सीट आदमपुर पर अपना कमल खिला दिया। आदमपुर सीट पर बीजेपी का कमल खिलने में सीएम मनोहर लाल की भूमिका और रणनीति की अहम भूमिका रही है। मनोहर लाल ने पहले कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में शामिल कराया और उपचुनाव का इंतजार किए बिना ही आदमपुर में विकास के काम शुरू करा दिए। वहीं कुलदीप बिश्नोई से लोगों की नाराजगी को देखते हुए उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा। वहीं जहां भूपेंद्र सिंह हुडा लगातार जीत के दावे करते रहे, 20 दिनों तक हुडा पिता पुत्र आदमपुर में डटे रहे, लेकिन बावजूद बीजेपी की रणनीति से पार नहीं पा सके। तो आदमपुर में बीजेपी ने सीट पर काबिज हुए हैं। आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई ने 67,376 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भव्य बिश्नोई को विधायक निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने आदमपुर में कमल खिलाकर भव्य जीत प्रदान करने के लिए क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट भव्य बिश्नोई बहुत ही भव्य जीत हुई है, इसके लिए आदमपुर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। जो भी लोग इन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जेजेपी अथवा अन्य सब जिन लोगों ने भी इस चुनाव में मदद की है उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस जीत के साथ भव्य बिश्नोई हमारी जो असेंबली है उसका यंगेस्ट मेंबर हो गया है। अभी तक तो दुष्यंत चौटाला वो यंगेस्ट मेंबर इस नाते से थे, अब भव्य बिश्नोई जो है यंगेस्ट मेंबर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी संख्या अब 40 से 41 बीजेपी की अपनी हो गई है। तो पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई आदमपुर विधानसभा में बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने 67,376 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भव्य बिश्नोई को विधायक निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आदमपुर में कमल खिलाकर भव्य जीत प्रदान करने के लिए क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में हमारी संख्या 41 हुई, कांग्रेस की एक संख्या कम हुई। आदमपुर की जनता ने भाजपा की विकासात्मक विचारधारा पर मुहर लगाई है। आपको बता दें कि पिछले 8 साल में राज्य में 3 बार उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने 2 बार जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी ने अब की बार बहुचर्चित सीट आदमपुर पर अपना कमल खिला दिया है। आदमपुर सीट पर बीजेपी का कमल खिलने में सीएम मनोहर लाल की भूमिका और रणनीति की अहम भूमिका रही है। मनोहर लाल ने पहले कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में शामिल कराया और उपचुनाव का इंतजार किए बिना ही आदमपुर में विकास के काम शुरू करा दिए। वहीं कुलदीप बिश्नोई से लोगों की नाराजगी को देखते हुए उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा। तो वहीं भव्य बिश्नोई की जीत पर उम्मीदवारों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही वो भी आपको सुनवाते हैं।
30 रह गई। हमारे परिवार को मजबूत और कायम रखने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की है जिन्होंने जिंदा देख करके इस चुनाव में काम किया। ये जीत चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर 54 साल के विश्वास की है और ये जीत श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की है। आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी आप लोगों का? श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं आदमपुर का कायाकल्प करने को प्राथमिकता दूंगा। तो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहां कहीं ना कहीं हार आपको मिली थी, आप लगातार जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में, अब जो आपको चुनाव में जीत जीत मिली, इसका असर किसको देंगे, आदमपुर की जनता को या बीजेपी को? जैसे मैंने कहा, श्री सभी को जाता है, आदमपुर की जनता को जाता है, सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, नेताओं को जाता है और हमारे जो 54 साल का विश्वास है आदमपुर के साथ। जीत हो रही है तो जीत तो गए, इसमें क्या शक है? क्या लगता है आपको हार का कारण? हार का कारण क्या है? तो लोगों का फैसला कांग्रेस की फूट रही है। कोई कोई कांग्रेस की फूट नहीं है, नेता नहीं आ पाए कांग्रेस ना, ना सारे नेता यहाँ क्या करते हैं, जितने आगे काफी लोग यहाँ जो आपके। नहीं 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 नहीं, देखो लोगों का फैसला ठीक है, कोई किसी के फर्क नहीं पड़ता। लोगों का फैसला मैडम हो गया, दो हजार 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल और आप पार्टी का सफाया हो गया। जो फिक्सिंग की राजनीति लोग करते थे, लोकदल वाले बीजेपी वाले, उसका खात्मा हो गया। तो 24 में हम सरकार बनाएंगे। देखिए मैं वही बता रहा हूँ जी, कहीं ना कहीं सरकार, ये एक सरकार ने भ्रम जाल फैलाया कि हम आने वाले समय में, देखिए 8 साल सरकार काम नहीं कर पाए, केवल और केवल कहने भर को कि हम आने वाले 1-1.5 साल में काम कर देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने उस बात पर विश्वास करने का काम किया। सरकार ने जिस तरह का माहौल बनाया, सरकार ने जिस तरह का वातावरण तैयार किया, देखिए मतदाता तो कहीं ना कहीं सरकार के उसमें उलझने का काम करेगा। तो बदलाव की बात कर रहे थे, क्या बदलाव नहीं कर पाए जिस तरह से? नहीं, बाय इलेक्शन है, बाय इलेक्शन में कई बार बदलाव कर पाना मुश्किल हो जाता है। 2024 पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। उपेंद्र जी, बिश्नोई गढ़ तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए, ये देखते हैं 2024 जब होगा। इसमें पूरी, मैंने शुरू में भी कहा था कि चार चार चीजें मिलकर चुनाव लड़ रही थी, हरियाणा की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी थी, जननायक जनता पार्टी थी और बायपोल था, तो सब केंद्रीयकरण हो गया सब शक्तियों का। और जब जनरल इलेक्शन होगा तो मुझे लगता है कि सब अपना अपना संभालेंगे। योजनाएं थी कांग्रेस आदमपुर की भव्य जीत के लिए, मेरे आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ईमानदारी की, विश्वास की जीत हुई है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है, ये खट्टर साहब की कार्यशैली की जीत हुई है और ये चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का जो विश्वास था, उस विश्वास की जीत हुई है। मैं बधाई देता हूँ आदमपुर हलके की जनता को, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कोई साधारण चुनाव नहीं था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नाम से वोट मांगे थे। 20 दिन बापू बेटा यहीं पड़े रहे और हुड्डा ये कहता था, भूपेंद्र ये जेपी का वोट नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हो। तो ये आदमपुर हलका ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया और 16,000 की जो विक्ट्री है, ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 10% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं विधानसभा के चुनाव में, इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं। और कांग्रेस तो आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत के बाद जहां सभी उम्मीदवारों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपने सुना, जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश का भी कहना है कि इनेलो और आम आदमी पार्टी का आदमपुर से सफाया हुआ है। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जीत भव्य बिश्नोई की नहीं बीजेपी की है। साथ ही आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई ने भी अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी और सी मनोहर लाल को दिया है। आज इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए
कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी और साथ ही साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले सर इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब जो है चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जयप्रकाश जी ने भी कहा है कि आदमपुर से इनेलो और आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आवाज बुलाओ, आवाज कम है। हेलो, आप बोलिए ओंकार जी। ओंकार जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज कम ना जागू दीजिए, आवाज बढ़ाइए जी। सबसे पहले ओंकार जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जयप्रकाश जी ने भी जो है नतीजे सामने आने के बाद अब कहा है कि जनता ने जो है इनेलो और आम आदमी पार्टी को नकारा है, इनेलो और आम आदमी पार्टी का वहां से सफाया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जागृति जी, सबसे पहले तो मैं जनता की भावनाओं का सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, जनता ने सत्ता के साथ जाना पसंद किया। यहां विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि यहां पर चुनाव का ध्रुवीकरण हो गया था, अभी 2 साल बताया है आम चुनाव में, जनता ने सत्ता के साथ जाना पसंद किया, तो जनता की मर्जी है, हमें स्वीकार है जनता ने जो हमें दिया। दूसरा, जयप्रकाश जी का यह कहना कि चुनाव में इनेलो का सफाया हो गया, तो मैं उनसे एक बात कहूंगा कि क्या इलाहाबाद में कांग्रेस का सफाया हो गया था? ऐसा कभी नहीं होता, ये तो उपचुनाव था और आमतौर पर जागृति जी उपचुनाव सत्ता पक्ष के हाथ में जाता है जी। हरियाणा में अभी तक 3 उपचुनाव हुए, 2 सत्ता पक्ष के खिलाफ गए हैं, तीसरा भी सत्ता पक्ष के हाथ में इसलिए चला गया क्योंकि वहां पर कुलदीप बिश्नोई का सारे कैंडिडेट गढ़ है, लेकिन मैं नहीं मानता। आप ही देखिए, कुलदीप बिश्नोई को 2019 में 63,600 वोट मिली और अब भव्य बिश्नोई को 65,000 मिली, कांग्रेस को 52,000 के करीब वोट मिली और पिछली बार जेजेपी को 15,500 वोट मिली थी, बीजेपी को 34,500 मिली थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 65,000 वोट आई ये किसकी है? कुलदीप की है, बीजेपी की है, जेजेपी की है, पता तो लगे जी। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की सीट पर लड़े थे तो 63,500 आई थी, इस बार 65,000 आई, मैं 15,000 वोट ज्यादा मिली है और वो 1500 चोरी। तो ये मैं पूछना चाहूंगा, ये 65,000 वोट कुलदीप की वोट है, जेजेपी की है या बीजेपी की है? और जहां तक इनेलो की सफाया करने वाले बात करते हैं, वो आगे 2019 के चुनाव में 2024 के चुनाव में देखेंगे, ये कोई चुनाव डिसाइड नहीं हो गया, इसका रिजल्ट कोई 2024 में जाने वाला नहीं है। प्रत्येक चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं और आपको पता है जागृति जी, इस चुनाव में जो मुख्य मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, परिवार पहचान पत्र, परिवार पेंशन जो इन्होंने खत्म कर दी, प्रॉपर्टी आईडी रजिस्ट्री, भुखमरी, शिक्षा, सेवाएं, रोजगार, ये सब मुद्दे गौर हो गए थे। वहां सिर्फ ध्रुवीकरण हो गया था कुलदीप बिश्नोई के बेटे को जिताने का और उसे हराने का। जब भी यह ध्रुवीकरण हो जाता है तो आमने सामने की टक्कर में दूसरी पार्टियों के वोट कम आते हैं, तो कम आने का मतलब यह नहीं कि इनेलो खत्म हो गया है। इनेलो दरअसल से जुड़ी पार्टी है, इसका प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता, हवा में आदमी तो करते हैं, कोई ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति नहीं करते। तो ये इनेलो को जो खत्म करने की बात करते हैं उनको 2024 में आईना नजर आ जाए। जी बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको और साथ ही साथ आपको बधाई भी देना चाहेंगे, आदमपुर उपचुनाव में भव्य जीत वहां पर बीजेपी ने हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आदमपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी एक थंबिंग मेजोरिटी से वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को जिताया है। दूसरी बात, अभी मैं साथी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, ये जो जीत है ये माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भाजपा जेजेपी गठबंधन को साथ लेकर लड़ी, ये उसकी जीत है। ये माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो योजनाएं चलाई जिसका लाभ लोगों को मिला, तो वो सबकी ये जीत है। ये हरियाणा प्रदेश के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, ये जेजेपी के कार्यकर्ता की भी जीत है। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी बात, मैं ओंकार सिंह जी को भी सुन रहा, बजरंग दास जी को भी सुनते रहते हैं रोजाना, हर समय चैनल पर हम लोग होते हैं,
लेकिन ये सबसे बड़ी एक बात, किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें नहीं है और सर्टिफिकेट की आवश्यकता विपक्ष से तो बिल्कुल ही नहीं है। सर्टिफिकेट की आवश्यकता है जनता का सर्टिफिकेट, वो जनता ने मैंडेट दे करके वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि जो योजना है, जो काम माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में हुए, उनको जनता ने स्वीकारोक्ति दी, चाहे विपक्ष लाख बार कहता रहे। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, विपक्ष कहता था कि ये 2024 का आईना है, अब हम कहते हैं कि 2024 का आईना है तो वो तुम्हारे सामने आ चुका है। 2024 का जो चुनाव का जो 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 पटापेक्ष होगा, जो चुनाव के जो परिणाम आने हैं वो स्पष्ट और साफ नजर आ गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में रिपीट करने वाली है, ये इस रुझान से पता लगता है। दूसरी बात, जो जो विपक्ष प्रचार किया, उन्होंने हर तरह का भ्रम फैलाने का काम किया, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए, उन्होंने भाजपा को कोई काम नहीं, अभी भी मैं ओंकार जी को सुन रहा था, कोई काम नहीं हुए, कोई काम नहीं। अरे भाई, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता थोड़ा भी है, सर्टिफिकेट तो जनता का है। दूसरी बात, आप देखिए ये इनेलो और आप पार्टी कितना शोर शराबा मचाते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, जिसका सब सारे का सारा जो है पर्चा जनता ने सामने रख दिया। कांग्रेस पार्टी है जो बाप और बेटे की पार्टी रहेगी, ये तो हम तो हमेशा चैनल पर बैठकर कहते हैं कि ये पार्टी चंद लोगों की पार्टी है, दूसरे नेताओं को प्रचार के लिए नहीं आने दिया, इसलिए जनता में जो जो मैसेज गया कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, सिवाय भ्रम फैलाने के अलावा विपक्ष और कोई दूसरा काम नहीं करता। अगर विपक्ष को राजनीति सीखनी है, भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय तक विपक्ष में रही, माननीय अटल जी हमेशा सरकार जो अच्छा करती थी उसके पहले पीठ थपथपाते थे और जो नहीं किया है और जो करना चाहिए उसके बाद उसको बता देते थे। ये होती है। जी बजरंग दास गर्ग जी से भी सुन लेते हैं, उनकी भी बात जान लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, जिस तरीके से चुनाव से पहले, नतीजे आने से पहले भी कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुडा और दीपेंद्र हुडा वहां पर 20 दिन तक रहे, जनता के बीच पहुंचे और भूपेंद्र सिंह हुडा का ये भी कहना था कि आप वोट ये समझकर दीजिए कि आप भूपेंद्र सिंह हुडा को वोट दे रहे हैं, लेकिन अब नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी कभी आदमपुर सीट पर बीजेपी जो है विराजमान नहीं रही और इस बार बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर और साथ ही साथ क्या आप मुख्य कारण मानते हैं वहां पर हार का? जागृति जी, कांग्रेस पार्टी जी आरके भी जीतती है और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा प्रदर्शन कहूंगा, आदमपुर में किया है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री वो पूरी सरकार और कुलदीप और भव्य जी कहते थे अब की बात 1 लाख पार, और कुलदीप जी ने बयान दिया था कि 72,000 वोटों से 2005 के अंदर चौधरी भजन लाल जी जीते थे और ये भव्य बिश्नोई भी 72,000 ज्यादा वोटों से जीत प्राप्त करेगा, और 2019 के अंदर कुलदीप जी 29,471 वोटों से जीते थे आपके सामने। अब आप देखिए पूरा भजनलाल परिवार, पूरी सरकार, सरकारी अमला जमला, जेजेपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सारे सड़कों पे आ लिए, उसके बावजूद भी जीत का मार्जिन आधा रह गया, 15,000 रह गया। कहां जीत है, हार है, इन्होंने क्या नारा दिया, मुख्यमंत्री क्या कहा, 8 साल तक हम जो काम नहीं करवा पाए हम 2 साल में काम की झंडी लगा देंगे, विकास की झंडी लगा देंगे, पूरा काम आदमपुर में करेंगे, काम की नाम की वोट दीजिए, सरकार में हिस्सेदारी कीजिए, ये नारा देके सरकार आई थी। और आपने देखा जिस दिन 3 तारीख को वोट पोल हो रहे थे, लगातार जो लोग लंबी लंबी कतारों में लाइनों में खड़े थे, माता बहने बुजुर्ग युवा साफ तौर पर कह रहे थे कि कुछ भी नहीं किया, जो भी कुछ, अगर जनता ऐसा कह रही थी कि कुछ भी नहीं किया तो जनता ने बीजेपी को समर्थन क्यों दिया? बजरंग दास गर्ग जी, आप कह रहे हैं कि जो है वहां पर वोटिंग लाइन के लिए जो लंबी लंबी कतारों में जनता खड़ी थी, उनका कहना था कि कुछ कार्य नहीं हुए बीते 8 सालों में, तो फिर अब जनता ने क्यों समर्थन दिया बीजेपी को? मैं जल्दी यही बताना चाहता हूँ आपको, आपने पूरी मेरी पूरी बात सुनी नहीं, उन्होंने क्या कहा,
भाई भजन लाल जी ने तीन बार मुख्यमंत्री रहे, भजन लाल जी ने 17,000 से ज्यादा लोगों को वहां नौकरियां दी और लोगों के काम किए, विकास किए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कुलदीप जी ने फली नहीं फोड़ी, कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, मगर एक मौका आपने भी सुना पूरे चैनल, आपके चैनल ने भी दिखाया, अनुकोनू कुंडू जी वहां सारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं उसको बार बार आपको हर चैनल को देख भी रहा था, उसने क्या कहा लोगों ने, भाई एक मौका हमने काम करवाने हैं, एक मौका और देंगे, उसके बाद 2024 के अंदर घर बिठाने का काम करेंगे। ये हमारी माताएं बहनें युवाओं ने भी कहा और काफी लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। इस कुलदीप ने धोखे सुबह कुछ नहीं किया, सरकार जो है झूठ के नारे देती है, झूठी घोषणाएं करती है, कोई काम नहीं करती। जहां तक कि आदमपुर में विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई, किसान जो है मुआवजा के लिए आदमपुर में, बाल संबंध में, हिसार में आज भी धरना लगाए रहते हैं, हमारी आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो भी आज धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकारी स्कूल बंद करके स्कूल के बच्चे स्कूल के गेट के बाहर बैठे हुए हैं। ये तो हालात आदमपुर की है और जहाँ तक कि हरियाणा के अंदर लोगों का रोजगार लौटूंगी आपके पास वापस, ये भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में एक बात कहता हूँ, इन्होंने लंबे चौड़े वादे किए हैं, लंबे चौड़ी घोषणाएं की है, ये पता लग जाएगा क्या जनता का जो जो घोषणाएं की है, जो वायदे किए हैं, वो 1.5 साल में कैसे पूरे करते हैं, ये पता लग जाएगा। जब मुख्यमंत्री खुद अपनी घोषणा कोई काम की घोषणा करते हैं वही पूरी नहीं होती, उसको ही वायदे वो पूरा नहीं करते, बार बार घोषणाएं करते हैं रोजगार देंगे, किसको रोजगार दे दिया, जबकि ये कहा 1 साल के अंदर 2 करोड़। ठीक है, बच्चन जासकर जी लौटेंगे आपके पास वापस। ओंकार सिंह जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चुनाव से पहले भी आपने कहा कि हमारे मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी, जिस तरीके से किसान परेशान है, ये भी आपका कहना था कि तमाम मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बावजूद इसके जनता ने बीजेपी को समर्थन दिया है। अब 2024 में क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं जनता के बीच पहुंचने के, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि हार का कारण आप इसे मानते हैं कि जनता के बीच जो है आप विश्वास पैदा नहीं कर पाए इनेलो के लिए? जागृति जी, जो कि आम चुनाव नहीं था जी, ये उपचुनाव था जी। उपचुनाव में जनता ने अगर सत्ता के साथ जाना पसंद किया जी, और अभी 2 वर्ष पड़े हैं, जनता को ये लालच दिया गया, जनता ने इस चीज को देखा कि 2 वर्ष पड़े हैं, एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना बीजेपी की सरकार गिरने वाली थी और ना ही बनने वाली थी, ये तो सिर्फ जीत हुई है, टेक्निकली जीत हुई है। आप ही देखिए पिछली बार 29,000 से ज्यादा मतों से जीते थे जी। और 34,500 बीजेपी की वोट थी, 15,500 कुछ वोट थी जेजेपी की, मतलब 50,000 वोट तो पिछली बार भी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ पड़ी थी, अब इनको 65,000 मिली है, इसका मतलब भजनलाल परिवार का कोई दबदबा नहीं है वहां पर, वहां सिर्फ और सिर्फ पार्टी का दबदबा है, चाहे वो किसी का भी है। अब अगर इन्होंने ये 15,000 वोट फालतू ली तो 50,000 वोट पिछली बार भी विपक्ष में पड़ी थी, आज और जो विपक्ष में थे बीजेपी और जेजेपी वो वोट भजनलाल के परिवार को मिल गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो वोट मिली 65,000 इनमें किसका कितना शेयर है, और जहां तक बात है कि मुद्दे गौण हो गए या नहीं हुए, देखिए लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, जनता के सामने प्रत्येक पार्टी अपना पक्ष रखती है, अपनी मेहनत करती है, हमने बहुत संजीदगी से चुनाव लड़ा, पूरी मेहनत करी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता ने वहां पे जाकर अपनी प्रत्येक परिवार में प्रत्येक घर में हाजिरी निश्चित की, लेकिन जनता ने अगर सत्ता के साथ जाना पसंद किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि 2024 में यही रहेंगे नतीजे, क्योंकि लोकतंत्र का इतिहास रहा है, आज नतीजे कुछ आए हैं, 10 दिन बाद चुनाव होंगे तो कुछ होंगे, आप देख लेना ये 2024 में जनता परेशान है बीजेपी के हर एक मुद्दे में परेशान है, आज तक जितने पेपर हुए सारे लीक हुए, और अभी 2 दिन पहले सीटी एग्जाम था अंबाला छावनी में, डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बच्चों का सेंटर बना रखा था वहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे मौके पे ताला लगा हुआ पाया गया, जब मैं गया वहां पे
कुल सिंह भाटी जी से भी जानेंगे, सवाल उनसे ही पूछना चाहेंगे। कुल सिंह भाटी जी, जनता ने भव्य बिश्नोई पर भरोसा तो जता लिया है, लेकिन महज 2 साल का समय बचा है। 2024 में दोबारा चुनाव हो रहे, ऐसे में 2 साल में किस तरह से जनता के बीच में अपना भरोसा वो कायम कर पाएंगे, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, मध्यवर्ती जब भी चुनाव होता है तो बहुत बड़ा एक जनता का भी प्रेशर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भव्य बिश्नोई सरकार में है, सरकार के साथ हैं और रूलिंग पार्टी की वो जीत करके नुमाइंदे बने हैं, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो कांग्रेस की पॉलिसी थी। भाई ओमकार सिंह जी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, शायद वो पुराने सपनों को देखते रहते हैं कि वो सपने दोबारा साकार हो जाएगा। वो सपने साकार नहीं होने वाले, जनता हकीकत जानती और क्या इनेलो का इतिहास रहा है सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरह बिखरी हुई है सब जान गए हैं। लेकिन जो आदमपुर की जनता ने विश्वास जाना, मैं इनकी बात से चलिए थोड़े समय के लिए सहमत हो लेता हूं कि अभी ओंकार सिंह जी कह रहे थे कि भाई थोड़े समय की 2 साल की सरकार है, इसमें जनता ने सोचा कि भाई सरकार के साथ जुड़ना, जनता ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। सरकार के साथ लोग काम चाहते हैं, लोग बातें नहीं चाहते, लोग झूठ नहीं चाहते, लोग भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद नहीं चाहते, रिश्वत और भ्रष्टाचार नहीं चाहते। लोग चाहते हैं एक अच्छी सरकार उनको मिले जो उनके क्षेत्र का काम करे। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जेडीपी गठबंधन के साथ इन 3 सालों में, और उससे पहले 5 साल भाजपा की सरकार रही है, वो डिलीवरी ऑफ वर्क हुई है। हम इस बात को हर चैनल से, हर डिबेट के माध्यम से कहते हैं कि आज हमने डिलीवरी ऑफ वर्क की है। मैं कहता हूं आइए आंकड़ों के साथ बात करेंगे कि इनेलो ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया। आइए माफ कीजिएगा, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो खास खबर में आपने देखा, जहां आदमपुर में भव्य बिश्नोई की भव्य जीत हुई है, तो साथ ही साथ जनता का यह भी कहना है कि 2 साल के समय में वो परख रहे हैं कि किस तरह से वो जनता के लिए काम करते हैं, विकास कार्यों को किया जाता है, नहीं तो 2024 के चुनाव में जनता इसका भी जवाब देगी। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।